सुनाई दे रहे हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। क्या बोले? हाँ सर आपको कुछ डाउट पूछे थे व्हाट्सएप कौन, किसका? में? डीपीपी का क्या, किसका था? ना सर, वो केवीपीवाई प्रैक्टिस शीट 1 का था, वो भेज क्लास दिया के था बाद सर। पूछे ना, सर क्लास के बाद दूसरा क्लास है। अभी तो क्लास के बीच में तो मैं केपीआई का डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। किसी दूसरे दिन, किसी दूसरे बैच में आ जाना ना क्लास के बाद। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें ओके केपीआई के डाउट में ये प्रॉब्लम है कि हर बंदे लोग नहीं देंगे ना, तो अभी क्लास में इसलिए बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्लास के बाद ठीक है, कभी किसी दिन आ जाना। भेज दिया, मैं एक बार देख लेता हूँ, सोल्यूशन अगर भेज दूंगा तो ठीक है। चलो तो वन ए क्यू बी आर सी एस डी पी, टू का है ए आर बी पी सी एस डी क्यू। आज जो फॉर्मूला कराऊंगा वो है क्वींस बोर्ड लेवल में, अभी क्वींस प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। ये कहता है कि अगर जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स तुम्हें कभी दिया हुआ है, और अगर तुम कभी एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू अगर निकालोगे, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो ये जीरो होगा, और अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हो और ये अगर प्लस एफ ऑफ एक्स होता है तो सिमेट्री लग जाता है, टू बाहर निकल जाता है और लिमिट आधा हो जाता है। तो तुझे क्या करना होगा, ये जीरो से ए है तो ये ए माइनस एक्स है। मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी समझने के लिए क्या है कि तुम्हें सम ऑफ द लिमिट, तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, नीचे जीरो ही होगा, तो एफ, तो हर समय एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू निकाल के देख लेना। एक एग्जाम्पल कराऊंगा तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। सपोज आई का वैल्यू मैं ले रहा हूँ जीरो से लेके पाए कॉस ट्रिपल 5x dx। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो मेरे पास है cos x^5, और लिमिट जो है वो पाई तक है, इसलिए एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, तो ये तो माइनस माइनस कॉस एक्स, तो मतलब माइनस बाहर निकल जा रहा है, तो माइनस cos x^5। मतलब क्योंकि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos x^5 था, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हेंस यहां पे तुम्हें पता चला कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्वींस क्या बोलता है, अब तक बाय क्वींस क्या होगा, आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। हेलो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे और एक क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे चलूं, अच्छा जीरो से 10π cos x^5 sin x^7 dx। तो एफ ऑफ एक्स अगर cos x^5 और sin x^7 हो जाए, तो एफ ऑफ 10π माइनस एक्स क्या होगा, 10π कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 10π तो इवन मल्टीपल है ना, तो 10π माइनस एक्स मैं कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा हूं, फोर्थ और फोर्थ में कॉस नेगेटिव साइन कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव।
तो अल्टीमेटली मगर क्या हुआ, माइनस बाहर आ गया। मतलब एफ ऑफ टेन पाई माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर आई इज इक्वल टू जीरो। ये तो ये वाला हो गया और इसमें ये हो रहा है, तो पिन से तुम क्या बोल सकते हो, पिन से बोल सकते हो आई इज इक्वल टू जीरो। किसी को लिखना है तो लिख लो, तो तुम्हें इस टाइप से सोचना पड़ेगा। कभी कभी पहली बार में जीरो नहीं होगा, वो भी अभी देखेंगे, एक सम करवाऊंगा, पहली बार में जीरो नहीं होता है, दो तीन बार लगाने के बाद जीरो होता है। आगे चलूं? हाँ सर। जीरो से टू पाई वन बाय वन प्लस टेन टू दी पावर फोर एक्स डी एक्स। तो देखो मजा आ जाएगा तुम्हें, जीरो से टू पाई सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करो, तो तुम्हें क्या लग रहा है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन टू द पावर फोर एक्स बाय, क्योंकि मेरा पावर इवन है, तो तुम्हें लग नहीं रहा है कि एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ही होगा क्योंकि पावर इवन है। हाँ पावर फोर है जो इवन है, मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूं। तो अगर मैं क्विंस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तब आई का वैल्यू टू टाइम्स जीरो से पाए, क्योंकि पावर इवन है तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस तो बाहर आएगा नहीं, एफ ऑफ एक्स। तो और एक बार क्वींस लगा दूं तो क्या होगा, फोर टाइम्स ये फोर हो जाएगा जीरो से। अब देखो क्या अब ये किंग्स हो गया, अब अगर मैं लगाऊंगा, क्योंकि अब अगर पाई बाय टू माइनस एक्स लगाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स है, ये तुम भी जानते हो। तो इसलिए अगर अब मैं यहाँ पे किंग्स लगा दूं, अब वही तुम्हें देखना है कहाँ पे क्या लगाओगे रे, उसके लिए घर में करना होगा सम सबको। तो ये कॉस टू पावर फोर एक्स, कॉस टू पावर फोर एक्स प्लस साइन टू पावर फोर एक्स डी एक्स, क्या फायदा हुआ, अगर वन प्लस टू करोगे तो कुछ अच्छा लगेगा, जीरो से पाई बाय टू डीएक्स हो जाएगा, क्योंकि चीजें कैंसिल हो जा रहा है देखो। तो इसका मतलब फोर इंटू पाई बाय टू, तो आई इज इक्वल टू पाई, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मेहनत तो करना होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। शॉर्टकट मानने का कोशिश करोगे नहीं होगा। सर डर लग रहा है, पेंडेमिक का सिचुएशन है, तो जब एग्जामिनेशन होगा तो और ज्यादा डर लगेगा, घबराओ मत। तो क्या क्या जाए, मेहनत किया जाए, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा है, जितना कम मेहनत करोगे उतना ज्यादा डर लगेगा। Thank you.
एक मिनट का टाइमर दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलूं। हाँ सर। मगर कई बार ये और इससे आसान कर देता है, जैसे मैं अगर बोलूं जीरो से टू पाए कॉस एक्स टू पाए नाइन डीएक्स, देखो तो एफ ऑफ एक्स अगर तुम कॉस एक्स टू डी पावर नाइन लोगे तो तुम जानते हो कि एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए ये एफ ऑफ एक्स ही देगा। तो अगर मैं क्वींस लगाऊंगा तो क्या होगा, टू बाहर निकल गया जीरो से पाए कॉस एक्स टू पावर नाइन। अब क्योंकि लिमिट पाए है मगर मैं जानता हूं कि पावर ऑड है और पाए माइनस एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव होगा। तो अगर मैं दोबारा क्वीन लगा दूं तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो कई बार ऐसा रिपीटेड एप्लीकेशन से आंसर जीरो भी आता है, जैसे ऊपर वाले में तुम बोलोगे सर करना तो पड़ा ही, हाँ मैक्सिमम टाइम तो करना ही पड़ेगा मगर कई बार ऐसे भी सोच सकते। आगे चल लूं। हाँ सर। देखो यार ऐसे सम सॉल्व करने का एक तरीका था, जब साइन स्क्वायर एक्स देखते हो अगर तुम्हें याद है तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने का एक तरीका था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो किससे, cos square x। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि x जीरो से पाए तक है और cos पाए बाय टू जीरो होता है, वी कैन नॉट डिवाइड बाय cos square x। याद आ रहा है लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ कहा था, न्यू पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी तुम लेके नहीं आ सकते हो, तो क्या करेंगे, ठीक है अब जीरो से पाई में नहीं कर सकते हो मगर ध्यान से देखो पाई माइनस एक्स जो है अगर एफ ऑफ एक्स को मैं वन बाय वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स लेता हूं तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हूं और इवन साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। मतलब तुम्हें नहीं यहाँ पे देखा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, मतलब अगर मैं क्वींस लगाऊं तो क्या फायदा, आई का वैल्यू क्या बाहर निकलेगा, टू जीरो से पाई बाय टू डी एक्स बाय वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। कुछ फायदा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को
अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ओपन इंटरवल है जीरो से पाई बाय टू। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। आई का वैल्यू जीरो से पाई बाय टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स। कैसे इंटीग्रेट करोगे, जीरो से पाई बाय टू ऊपर तो सेक्स स्क्वायर एक्स सही है, नीचे वाले सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या करोगे, वन प्लस टेन। तो जब तुम ऐसा करोगे क्या फायदा है, तुम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो टेन एक्स को टी। टेन एक्स को मैंने टी इसलिए लिया क्योंकि सेक्स स्क्वायर जो है वो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी हो जाएगा और तब y का वैल्यू टू। लिमिट कैसे चेंज होगा, x का वैल्यू अगर जीरो डालोगे तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पाई बाय टू का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो ये जीरो से इन्फिनिटी ऊपर वाला dt नीचे वाला वन प्लस थ्री टी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का t का होल स्क्वायर क्या बनेगा तब, ये इसका एक फॉर्मूला था tan इनवर्स रूट ओवर थ्री मगर टी के साथ रूट ओवर थ्री है जीरो से इन्फिनिटी। तो बाहर क्या निकला, टू बाय रूट ओवर थ्री क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय टू माइनस जीरो इज इक्वल टू पाई बाय रूट थ्री। खेला खत्म। ये सब चार मार्क्स के सम्स हैं, कभी कभी छह मार्क्स में भी आ जाते हैं, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलो। सर बोलते जा। सर इसमें लिमिट ब्रेक करने से नहीं होगा, जीरो से पाई बाय टू और पाई बाय टू से पाई तक। जीरो से पाई बाय टू ले लिए उसके बाद प्लस पाई बाय टू से पाई। हाँ मगर फिर वो तो ज्यादा लंबा हो जाता ना, तो ये दो दो बार ये काम करना होता नहीं। हाँ सर सर हो गया।
हो गया सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर, वो चला गया था जूम से, मैं बाहर निकल गया था, माइक्रोफोन ऑफ। दिखाई दे रहा है? नहीं, अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। चलो आगे चलता हूँ। तो सर इसका प्रूफ क्या है? हाँ बताता हूं प्रूफ। क्या मैं जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स को ये लिख सकता हूं? जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। कभी कभी प्रूफ पूछ दिया जाता है रे, एक बार पूछा गया है। हाँ हालांकि हाहाकार हुआ था जिस दिन प्रूफ, जिस बार आज से दो साल पहले जब प्रूफ पूछा था, नॉर्मली प्रूफ नहीं आता है। जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू ये वाला क्या आया था, मुझे ये वाला याद नहीं है, किंग शायद था ये, मतलब कोई एक प्रूफ आया था। तो मुझे सबको इसके टर्म में लेके आना है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, आई को आई वन प्लस आई टू लिखता हूं। अब मैं आई टू को रिड्यूस करूंगा। ये सब चीजों को समझोगे भी? हाँ। तुम्हें जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला, कि माइनस एफ ऑफ एक्स हो रहा है या एफ ऑफ एक्स हो रहा है, तुम्हें ये प्रॉपर्टी यूज करना है। मतलब तुम्हें ये एक्स नहीं चाहिए यहां पे, तुम्हें एक्स के बदले क्या चाहिए? ए माइनस एक्स। तो लेट एक्स को मैं ए माइनस टी ले लेता हूं, मतलब टी को मैं ए माइनस एक्स ले लेता हूं, मतलब डी टी को मैं माइनस डी एक्स ले लेता हूं। तब बोलोगे I2 कैसे, लिमिट कैसे चेंज होगा? a by 2 x का वैल्यू है, तो a माइनस a by 2, तो ये a by 2 होगा। a x का वैल्यू है, तो a माइनस a यहां पे डालोगे तो जीरो होगा। f ऑफ x के बदले f ऑफ a माइनस t, और dx के बदले माइनस dt। ये माइनस क्या करेगा? लिमिट रिवर्स कर देगा। तो I2 क्या मिला? जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी, मगर टी इज डमी, इससे क्या बोल सकते हो? आई टू इज इक्वल टू जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स। अब दो केस लोगे यहीं पे। हाँ, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, तब जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सिंगल स्क्रीन में यही मुश्किल होता है, ध्यान से देखो। आई वन मेरा ये था जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ एक्स, और आई टू ये था। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला ये जो है, ये तो I2 था तुम्हारे पास, I2 का वैल्यू, इसका मतलब I2 जो होगा वो माइनस I1 होगा, मतलब I2 प्लस I1 जीरो हो जाएगा। अरे यही तो I था, तो मतलब I का वैल्यू जीरो हो गया। अगर f ऑफ a माइनस x का वैल्यू f ऑफ x है, तब I2 का वैल्यू क्या हुआ? जीरो से a बाय टू f ऑफ a माइनस x dx। क्या लिखोगे इसे? जीरो से a बाय टू f ऑफ x dx। ध्यान से ऊपर से देखना, यही तो I1 है रे, और I का वैल्यू क्या था? I1 प्लस I2, मतलब तुम्हें I2 इज इक्वल टू I1 मिला, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ I1 मिला, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 से a बाय 2 f ऑफ x dx। यही तो प्रूफ करना था कि अगर f ऑफ a माइनस x f ऑफ x है, तो 2 बाहर निकाल के लिमिट आधा हो जाता है, और अगर f ऑफ a माइनस x माइनस f ऑफ x है, तो I का वैल्यू 0 हो जाता है।
तुम लोग ये बोल सकते हो सर प्रूफ लिखना जरूरी है क्या, मगर मुझे ये लैंग्वेज पसंद नहीं है बोर्ड लेवल में भी। प्रूफ लिखने का बात नहीं है, ये सब तुम्हें एक ट्रिक सिखाता है। ऐसा ये कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ थोड़ी ना है कि लेट गिवन टू प्रूफ और फिर जाना है, ये तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहा है। तो इट्स बेटर कि अगर तुम लिखोगे तो लिखना है तो लिख लो। चलूं आगे? लिख लो मैं, ठीक है मैं 30 seconds वेट कर रहा हूं। चलो चलूं आगे, अब चल सकता हूं। एक बहुत बड़ा सम करवा रहा हूं और अगर तुम मुझे बोलोगे प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 0 से π/2 log sin x इज इक्वल टू -π/2 ln 2, तो किसी ना किसी सेट में यह सम बोर्ड लेवल में 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है, डॉट 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 डॉट, हो सकता है 1950 में भी आया है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि बार बार आता है, हर साल किसी ना किसी सेट में आता ही है, मगर सम थोड़ा लंबा होगा, कंसंट्रेट के साथ देखना होगा और कहीं डाउट होगा तो मुझे रोकना होगा। लॉग साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालना है और मैं अभी तुम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता हूं इस सम में। किसी को लिखना है तो यहां तक लिख लो, मैं 30 seconds रुक रहा हूं और फिर मैं शुरू करूंगा। सम को देखते जाओ कि मैं क्या कर रहा हूं और उसके बाद फिर चीजों को हम लोग जरे बड़े आराम से आगे बढ़ाएंगे। देखो आगे शुरू करूं,
आई इज इक्वल टू, सुनने में आ रहा है? हाँ सर, मैं बार बार पूछूंगा, बहुत लंबा समय। मैं अगर इसमें किंग्स लगाऊं तो साइन एक्स क्या बनेगा? जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, जो क्या बना? जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो क्या कुछ अच्छा होगा? तो आई सा इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और लॉग ए प्लस लॉग बी का वैल्यू तुम जानते हो, लॉग ए बी होता है। मतलब तो आई साई का वैल्यू तब तुम्हारे पास हो गया जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। जैसे मैंने साइन एक्स कॉस एक्स देखा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन ट्वाइस एक्स बाय टू डी एक्स। मगर ये देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है ट्वाइस आई इज इक्वल टू, अलग अलग कर देना, जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स माइनस लॉग टू डी एक्स। मतलब मैं ट्वाइस आई को तब लिख सकता हूं जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स माइनस जीरो से पाई बाय टू लॉग टू डी एक्स। दिस इंप्लाइज ट्वाइस आई इज इक्वल टू आई वन माइनस लॉग टू टाइम्स ऑफ आई टू। आई टू तो तुम निकाल सकते हो, वो तो पाई बाय टू आ रहा है, मैं आई वन में इंटरेस्टेड हूं। जीरो से पाई बाय टू, मैंने पहले ही कहा था सम काफी लंबा होगा, साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा खेला जो था वो था जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन एक्स के लिए। यहां पे सब कुछ सेम है, बस अंतर ये हो गया है कि यहां पे ये साइन ट्वाइस एक्स हो गया है। तो इसे एक्स बनाने के लिए एक काम करता हूं कि मैं एक सब्स्टिट्यूशन लेता हूं कि ट्वाइस एक्स को टी ले लेता हूं, तब आई वन कैसे चेंज होगा? काफी लंबा समय, मैं पहले कह रहा हूं 6 मार्क्स में आता है। आई तो जीरो से पाई हो जाएगा क्योंकि अब तो तुम टी का लिमिट डालोगे, यहां से लॉग ट्वाइस एक्स के बदले साइन टी हो जाएगा और डीएक्स के बदले डी टी बाई टू हो जाएगा। मगर क्योंकि t इज डमी है तो इसे क्या लिख सकते हो? log sin x 1 by 2 बाहर निकाल लो, 0 से पाए log of sin x dx। yes. तुम बोलोगे सर आंसर आ गया, नहीं आया। तुम ध्यान से देखो, ये पाए है, ये पाए है, और तुम्हें पाए बाय 2 चाहिए। 6 मार्क्स का सम आता है, ध्यान से देखना। I1 का वैल्यू आ रहा है 1 बाय 2 जीरो से पाए लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लॉग ऑफ साइन एक्स ले लूं तो मुझे बोलोगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? इससे पहले बहुत समय हमने क्या था, सेम होगा या नहीं? साइन, तो ये भी लॉग ऑफ साइन एक्स ही होगा। और अगर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो बाय क्वींस क्या हो जाएगा? आई वन का वैल्यू 1/2 × 2 × 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो 2 कैंसिल हो गया, तो आई वन का वैल्यू तुम्हें मिला 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्या यही आई नहीं था? तो अब तुम्हारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो था तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन ए, तो आई सा इज इक्वल टू आई वन, तो ए इंप्लाइज तो आई सा इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू का तो वैल्यू तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो लॉग टू पाई बाय टू, लॉग टू इंटू पाई बाय टू, और तुम्हें क्या मिला? आई वन इज इक्वल टू आई मिला,
तो ये वाला अगर इसमें डाल दोगे तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाय टू इंटू एल एन टू, हेंस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू एल एन टू, खेला खत्म। तुम बोलोगे सर बहुत लंबा था, छह मार्क्स ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, पांच मिनट दे रहा हूं तुम्हें लिखने के लिए, पांच मिनट, और दोबारा इस चीज को समझाऊंगा, पांच मिनट दे रहा हूं, एक एक करके लिखना शुरू करो, धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा। बहुत टिपिकल है रे, मैं इस चीज को जान रहा हूं, हाँ मैं इस चीज को जान रहा हूं कि चीज थोड़ा टिपिकल है, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, लिखते रहो, फिर और एक बार समझा दूंगा। आगे चलो, चलो आगे चलो, बोल देना कोई लिख रहा है तो।
हो गया सर। चलो तो हम लोगों ने अभी जो दिया इसे एज ए रिजल्ट तुम्हें याद रखना होगा। नहीं, सबसे नंबर बात वन है कि तुम्हें याद रखना होगा कि जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। बोर्ड में तो जब भी छह मार्क्स में आएगा तो तुम्हें प्रूफ करना होगा, मगर ये याद रखना अच्छी बात है। अब बोर्ड में ऐसे भी सम्स आते हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं होते हैं, रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली में ऊपर वाला अगर स्टैंड अलोन सम होगा तो वो चार मार्क्स में आता है, ये अभी जो सम करवा रहा हूं ये छह मार्क्स में आता है। खेला शुरू करूं? हाँ सर। चलो तो खेला अब जब शुरू होगा तो वो होगा I इज इक्वल टू जीरो से पाए log of 1 plus cos x dx, ये निकालना है। अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊंगा तो क्या होगा? मैं सम को लिखवाता हूं, देख ये सॉल्यूशन नहीं, इसमें पहला सम इवेल्युएट जीरो से पाए लॉग ऑफ जीरो से पाए वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें अगर मैं किंग्स लगाऊंगा तो कुछ अच्छा होगा क्या, बोलो तो? कॉस एक्स क्या हो जाएगा? अभी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। जीरो से पाए लॉग ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो कुछ अच्छा होगा? दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो। हाँ सर। लॉग वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। एक एक स्टेप करा रहा हूं रे, ठीक है, एक एक स्टेप करा रहा हूं, मगर मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें घर में बैठ के करना भी पड़ेगा। तो वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स तुम लोग हटा सकते हो। हाँ स्टेप मगर हाँ, तो हैंस ट्वाइस आई इज इक्वल टू जीरो से पाए लॉग वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस आई इज इक्वल टू जीरो से पाए लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बाहर क्या निकलेगा? टू। मगर जब इवन पावर में कुछ बाहर निकालते हो तो मॉड देना मत भूलना। हा सर, क्यों? क्योंकि देखो लॉग ऑफ माइनस टू का होल स्क्वायर डिफाइन है, मगर ये नॉट डिफाइन है। हा तो इसलिए मॉड देना जरूरी है। अब अगर x जीरो से पाए है तो मॉड साइन x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब y का वैल्यू हुआ जीरो से पाए लॉग ऑफ साइन x dx, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीरो से पाए में साइन x पॉजिटिव होता है। अब बोलो क्या करूं, क्या इसमें क्वींस लगेगा? हाँ या ना? हाँ सर। थोड़े लंबे लंबे सम हो रहे, मैं जान रहा हूं, लास्ट टॉपिक है रे एफ ऑफ एक्स, इन बोर्ड के लास्ट टॉपिक में है हम लोग। तो अगर मैं वन में क्वींस लगा दूं तो क्या होगा? वन तो नहीं होगा, वन
गया, टू गया, ये थ्री है। अगर मैं थ्री में क्वींस लगा दूं तो क्या होगा? लिमिट जीरो से पाई था, अब क्या हो जाएगा? जीरो से पाई बाय टू। क्या ये वही वाला सम हो गया? अब समझ में आया छह मार्क्स क्यों है? तुमने दो मार्क्स का काम किया, अब जो मैंने इससे पहले किया वो साइड में निकाल के दिखाना होगा, खेला खत्म। तुम बोलोगे सर काफी लंबा सम था, मैंने कहा बोला छोटा सम है, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर बोल सर, बोर्ड में किंग्स प्रॉपर्टी ऐसा करके लिखना तो नहीं पड़ेगा ना सर? बाप रे, तुम्हें वो प्रॉपर्टी लिखना होगा, नाम नहीं लिखना होगा, समझ में आया? प्रॉपर्टी लिखना होगा। हाँ, मतलब जब बहुत बार जब लगाया जाता है तो ऊपर प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी टू लिख देते हैं, फिर वन वन टू वन टू नाम दे देते हैं, समझ में? ठीक है सर। सर बोलो सर, लाइन नंबर फोर से समझ में नहीं है क्यों लॉग साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा? टू बाहर आ गया, ये प्रॉपर्टी समझ में आया नहीं? कौन सा? ये वाला ना, ये वाले में ना, तो टू बाहर आ गया तो लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स, मगर मैं जीरो से पाए में हूं तो साइन एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो log mod sin x, log sin x आया है, समझ में? तो अब क्या, अब ये अगर f of pi minus x लगाओगे तो सेम होने के कारण क्वींस क्या करेगा, जीरो से पाई को क्या कर देगा? जीरो से पाई मतलब टू बार निकालने से मॉड लगेगा, समय जब भी तुम इवन पावर निकालोगे log से मॉड लगाना ही पड़ेगा। हाँ सर, अगर वहां पे cosec होता तब क्या करते? कहाँ पे cos x होता तो फिर तुम्हें दो अलग अलग इंटरवल में ब्रेक करते, जीरो से पाई बाय टू और पाई बाय टू से पाई। आया समझ में? हाँ सर। सर फिर पाई बाय टू से पाई को कैसे करते? माइनस cos x, वो नहीं हो पाता, हो सकता है तो वो सब नहीं आएगा। आया समझ में? हाँ सर। हो गया सर।
इटू लगा दीवा ना चार्जर इटू तो प्लेस ताते रिमूवल एफेक्ट्स याद आ रहा है log of sin of pi minus x क्या फायदा होगा x कैंसिल log of sin x dx अगर मैं वन और टू को ऐड करूं तो क्या फायदा होगा एक्स एक्स कैंसिल करो पाई को बाहर निकाल लो क्या कुछ अच्छा लगा क्या ये इससे पहले वाले टाइप में गिर रहा है हाँ या ना हाँ सर अगर क्वींस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा हैंस अब ये वाला वो स्टैंडर्ड आ गया पुट अप करके देख लेना आज मैं एंट्रेंस ज्यादा करवाना नहीं पसंद करूंगा इसलिए मैं इसी में तुम्हें मैनुपुलेट करते जाऊंगा देखो यार मैं कल मैंने डाउट क्लियर नहीं लिया था क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स उस दिन भी नहीं आए थे और कल मैं कहीं पे एक स्टूडेंट आया था परसों हाँ डाउट क्लियर करने के लिए पंगा वही है मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ मैं मेरे तरफ से देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मैं मेन डीपीपी को छोड़ के मुझे मालूम है तुम लोग इनडेफिनेट नहीं कर रहे हो मैं एकदम बेसिक डीपीपी दे रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना तो करो कि एक बेसिक डीपीपी करोगे तो एक बेसिक तो मोमेंटम में लेके आ जाऊं उसके बाद ठीक है टफर लेवल का मोमेंटम तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे मगर डाउट्स पूछने के लिए तो आना पड़ेगा नहीं तुम देखो पैंडेमिक सिचुएशन में कोई चीज अभी क्लियर नहीं है कि एग्जामिनेशन कब होगा क्या होगा कुछ क्लियर नहीं है और मैं ये जानता हूं कि 99% ऑफ द स्टूडेंट उनका जब तक उन्हें मंजिल जब तक नहीं दिखता है, वो नहीं पढ़ते हैं मतलब तुम्हें अभी तो यही नहीं पता रहता है कि स्कूल का कब एग्जामिनेशन होने वाला है जेई का तो बात छोड़ो ही स्कूल का एग्जामिनेशन ही नहीं जानते हो तो 99% बंदे नहीं अच्छे से पढ़ रहे हो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि आज नहीं तो आज से ठीक है 6 महीने के बाद जब चीजें नॉर्मलाइज होगा मुझे ये डर है कि कहीं तुम पढ़ना ना भूल जाओ तुम बोलोगे सर पढ़ना भी कोई भूलता है क्या जस्ट अपने पेरेंट्स से एक बार पूछना जब तक आप कॉलेज में थे और कॉलेज के 1 साल के बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठे थे क्या आपको ऐसा फील हुआ था आप पढ़ाई भूल गए हो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें अभी नहीं ये फीलिंग है कि पढ़ाई कैसे कोई भूल सकता है क्योंकि तुम कॉन्टिन्यूस क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 पढ़ रहे हो मगर गैप देने से पढ़ाई भी एक स्किल है जिसे भूला जा सकता है और एक बार जब पढ़ना अगर भूल जाओगे ना यार तो मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना मतलब एक स्किल है मैं पढ़ाई का मतलब केवल जेई का बात नहीं कह रहा हूं पढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन है तब कहीं चाहे डिजाइनिंग में जाओ चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाओ सब जगह प्रॉब्लम हो जाएगा लिखना है तो लिख लो इस चीज को समझो एक बार अगर भूल गए ना तुम बोलोगे सर टाइम नहीं होता है डीपीपी आपका करने का अरे वो तो तुम्हें निकालना होगा मतलब अगर अगर तुम चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे हो रिजल्ट का इच्छा कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम एक भरे एक रेगिस्तान में बैठे हो और बोलोगे कि यहाँ पे एक लंबा सा भी एक पेड़ खड़ा होगा और उससे मैं जूसी जूसी मैंगो खाऊंगा अगर तुमने पेड़ लगाया ही नहीं है तो मैंगो कहां से खाओगे तो टाइम तो तुम्हें निकालना होगा चलो आगे चलूं ठीक है चलो
प्रॉब्लम टाइम निकालना तुम्हारा काम है, अपने आप को धोखा मत दो। जीरो से वन साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स डीएक्स। अब साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, क्या करूं? एक गोल्डन रूल था कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, आइलेट नहीं होता है यहां पे इसलिए। हाँ, मैंने तो एक्स को साइन थीटा ले लो, ये भी एक ट्रिक था कि इनवर्स को खत्म कर दो। तब लिमिट कैसा होगा? जीरो एक्स का वैल्यू है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स जीरो। वन का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स एक्स के बदले थीटा, एक्स के बदले साइन थीटा, और डीएक्स के बदले कॉस थीटा डी थीटा। तो आई का वैल्यू साइन इनवर्स जीरो से लेके पाई बाय टू थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। क्या करोगे? अब इसको यू ले लो और इसको वी ले लो। इसका यही तरीका था। आई इज इक्वल टू थीटा इंटीग्रेशन कॉट थीटा था एल एन साइन थीटा, जीरो से पाई बाय टू माइनस जीरो से पाई बाय टू थीटा का डिफरेंशिएशन वन इंटू एल एन साइन थीटा डी थीटा। अगर आई का वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय टू इंटू एल एन साइन पाई बाय टू माइनस जीरो इंटू एल एन साइन जीरो। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। तुम बोलोगे सर इतना क्यों इंटरेस्ट आपका इसमें? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड हो गया एल एन टू। अब मैं डाल रहा हूं I is equal to साइन पाई बाय टू वन होता है, एल एन वन जीरो होता है, तो ये क्या आया? पाई बाय टू इंटू जीरो। साइन जीरो जीरो होता है और एल एन जीरो माइनस इंफिनिटी होता है, तो ये फॉर्म जीरो इंटू इंफिनिटी आ गया। तो मुझे कोई हेल्प करेगा? जीरो इंटू इंफिनिटी आने से मैंने कुछ कहा था लिमिट लेने के। लिमिट किस फंक्शन के लिए? थीटा एल एन साइन थीटा। कब? जीरो पे। जब थीटा टेंडिंग टू अ जीरो है। फॉर्म क्या बना? माइनस जीरो इंटू इंफिनिटी। तो क्या डिनोमेटर में कुछ जा सकता है? डिनोमेटर में एल एन साइन थीटा वन बाय थीटा ले लो। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। एल एन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन वन बाय साइन थीटा, एल हॉस्पिटल लगा रहा हूं, वन बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मतलब कॉट थीटा बाय माइनस वन बाय थीटा स्क्वायर। क्या फायदा बताता हूं? इसे तुम लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा बाय टेन थीटा लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा बाय टेन थीटा का वैल्यू वन, तो ये माइनस है तो माइनस वन दे देता हूं, इंटू थीटा जीरो जीरो। तो इसका मतलब दिस वैनिसेस। तो आंसर क्या आया? दिस वैनिसेस, ये तो जीरो हो ही गया, वैनिसेस केवल ये बाकी रहेगा। तो आई का वैल्यू क्या आया? पाई बाय टू एल एन। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। नीचे वाले में डाउट है तो मुझसे बोलना, पहले ऊपर वाला लिख लो। मेहनत तो करना पड़ेगा, अरे मेहनत तो करना पड़ेगा।
चलूं आगे, काफी टाइम दे दिया, सुनाई दे रहा है? हाँ या ना बोल दो बस एक बार। सर थैंक यू। चलो ठीक है, चल अरे ऊपर एक बार दिखाएगा तो दिखा देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है दिखाने में। अरे लाइन नंबर 20 है। बोल। ln 0 माइनस इंफिनिटी होता है सर, तो वहाँ पे माइनस का जगह प्लस 0। उससे कोई पंगा नहीं है, उससे मुझे फॉर्म, मैं 0 इंटू इंफिनिटी लिखूं या 0 इंटू माइनस इंफिनिटी लिखूं, फॉर्म क्या है? 0 इंटू इंफिनिटी समझ में आ रहा है ना? हाँ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है। अब देखो माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। जब तुम माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर देखते हो, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो ठीक है। ये साल देखो फिजिकल क्लास में क्या होता है कि हम मोटिवेट जब करते हैं तो तुम लोग मोटिवेट भी होते थे, स्कूल का एग्जाम भी होता था, रेगुलर इंटरवल में हर एक चीज होता था, तुम डरते भी थे और तुम्हारे पास बहाना नहीं था। देखो अभी एक बहाना बहुत सिंपल, देखो मैं इसे बहाना के नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग तुम लोग को 100% नहीं दे पा रहे हैं, मगर मैं इस सिचुएशन में बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट मगर इसे भी बहाना की तरह यूज करता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा है। और घर में जब पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है हाँ ये बात एकदम सही है ना। मैं मानता हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तुम लोग नेटवर्क लॉस हो जाता है, मगर मैं यूट्यूब में अपलोड भी तो कर रहा हूँ। मैं देखो मैं अभी अपना बात कर रहा हूँ, हाँ यूट्यूब में अपलोड भी तो कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है सर, सेकंड ये प्रॉब्लम हुआ कि सर मैं पंचुअल नहीं था, मैं मानता हूँ, और मैंने इंटीग्रेशन आपका अच्छे से नहीं किया था, इसलिए मैंने डीपीपी देना शुरू कर दिया कि डीपीपी देना शुरू किया 36 या 35 से, कि एकदम बेसिक लेवल का डीपीपी से लेके एटलीस्ट बोर्ड लेवल का तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा, इस चीज का मैं गारंटी लेता हूँ। अब उसमें तुम डाउट्स पूछने के लिए नहीं आओगे तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तुम बोलोगे सर आपको हेल्प करने का जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है। वही तो प्रॉब्लम है यार, वही चीज तो तुम नहीं जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ में वो जितने भी स्टूडेंट जो कहते थे कि मेरा जिंदगी है मुझे अपने तरीके से जीना है, 40 साल आते आते वो ऐसे हो चुके हैं कि अभी हम लोग जब वो हमारे साथ मिलते हैं तो दिखने से वो 50 साल के बूढ़े लगते हैं। ये चीज तुम नहीं जानते हो, ये चीज तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुमने इसे फील नहीं किया है। तुम्हारे पेरेंट्स इसे जानते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने अपने फ्रेंडशिप में ये चीज देखा है कि बिंदास टाइप के लड़के को, बिंदास टाइप के बंदे को कैसे बाद में जाके लाइफ के बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने में प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा कि तुम्हारे इस एज में उस चीज का इंपॉर्टेंस जीरो होता है। नहीं तुम बोल सकते हो सर आपने भी कौन सा 3 बार दिया, आप भी तो ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो, आपका फ्रेंड अभी बैठ के गूगल में काम कर रहा है, ठीक है मैं मानता हूं कि मैंने, ठीक है मैंने ये चूज किया हाँ, मगर ठीक है मेरा तो चला गया ना, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना यहां से। मगर बेसिक चीजें तो मैंने राइट किया था, मैं पॉसिबली जब मुझे कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा था तो मैं कंप्यूटर पढ़ रहा था, इसलिए आज मैं एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर बना के तुम लोग को दे पा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा तो हक है मेरे पास ये कहने के लिए, क्योंकि मैंने हालत बहुत बुरे होते हुए मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है। तो इस चीज को समझो, तो जिंदगी तुम्हारा है, मैं जी लूंगा, वो ना किताबी बातें होती है इसमें कोई शक नहीं है, वो 100% सही बातें हैं। ज्यादा दिन नहीं है, आज से 6 साल के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसा देना बंद करने वाले हैं। जस्ट 6 साल के बाद
करना ही होगा ना, 6 या 8 साल के बाद, डिपेंड करता है कि किस साइड तुम जाओगे, और तुम्हें खुद कमाना होगा, ये जीवन की सच्चाई है। तो सोचोगे तो बेटर है वो, हाँ उसे प्रैक्टिकल थिंकिंग कहते हैं। हाँ आगे चलता हूं। जब तुम माइनस फाइव बाय फोर से फाइव बाय फोर देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है, दिमाग में क्या क्या आता है? मेरा कहना है, मेरा सबसे पहले दिमाग में आता है इवन और ऑड। मुझे, मैं अपने प्रोफेशन से भी बड़ा खुश था, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मगर ना मुझे इस साल बहुत अजीब लगा, मतलब 50% बंदों ने भी फीस नहीं दिया है, और मुझे ना अब थोड़ा बार बार बोलना भिखारी जैसा फील होने लगता है। तो इसलिए मैं मैसेज भी नॉर्मली देना बंद कर चुका हूँ कि पेड योर फीस, कि अगर करना है मगर एटलीस्ट पे द फीस। हाँ, क्योंकि मुझे क्लास में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि क्लास में मैं बस पढ़ाते पढ़ाते मजाक में बोलता था, तो पेड योर फीस, और ऑलमोस्ट 70% बंदे लोग फीस पे कर देते थे, 30% या 20% तब भी नहीं करते थे, मगर इस साल वो क्वांटिटी इतना ज्यादा हो चुका है, मतलब फीस तुम लोग, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपनी बच्ची का फीस रिसेंटली पे किया है, मैं उसमें नुकसान वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि आज करेंगे कल करेंगे, हर दिन वही होता है, फील होता है तरीका ऑनलाइन में, आज नहीं कल जाके कर देंगे, कल नहीं परसों करके देंगे। तो थोड़ा अर्जेंट बेसिस में जिन लोगों ने फीस क्लियर नहीं किया है, बेटर है अगर कर देंगे, मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है। तो अगर इवन ऑड देखोगे तो मुझे कोई बोलेगा क्योंकि ये फंक्शन इवन है या ऑड है? नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि कॉस एक्स इवन है और साइन एक्स ऑड है, तो ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड। सुनाई दे रहा है? हाँ सर, ठीक है, चलो नॉर ऑड, हाँ नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ, तो इस चीज को समझो, और एक चीज तो क्लियर हो चुका है इस पेंडेमिक ने, हर एक टाइम एक चीज तो पेंडेमिक ने क्लियर कर दिया है कि एक डिसेंट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक को प्रॉब्लम हुआ है, वो बंदा जो ये बोलता था कि मैं गिटार बजा के अपना जिंदगी को व्यतीत कर दूंगा, उसे पता चल रहा है कि जब अब कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं, मैं अपने प्रोफेशन को भी लेके आता हूँ, ट्यूशन को भी लेके आता हूँ इसे में, ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं हो रहा है तो ट्यूशन के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी चलो ठीक है, और कईयों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा होगा मेरे ख्यालों में, ठीक है, जो सेंटर्स को। तो इसका इसका ये मतलब है कि सही मायने में जिस जॉब को एक इंपॉर्टेंस दिया जाता था सोसाइटी में, इस पेंडेमिक ने दिखाया है कि वो जॉब रियली में एक स्टेबल स्टेबिलिटी वाला तो जॉब है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो इस चीज को समझो, हालांकि इस एज में ये समझ में नहीं आता, ये बात सही है। चलो, और एक केस था ना, ये तो काम नहीं आया, मगर जब मैं माइनस ए से ए देखता था तो मेरे पास और एक प्रॉपर्टी था, माइनस ए से एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स, जिसे किंग्स का सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते थे। तो I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर ln ऑफ cos x प्लस sin x dx। और मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक को कि हर कोई ऐसा पढ़ो कि गूगल में ही जाके काम करो, मेरा बहुत मिनिमम एम है। हाँ, मेरा मैं इस एम को भी रेस्पेक्ट कर रहा हूं। तुम लोगों में से कोई बोलेगा सर मेरा एम ये है कि मैं बी बरवा नहीं तो कॉटन कॉलेज में बैचलर डिग्री करूंगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करूंगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूंगा, और किसी यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसरशिप का जॉब करूंगा। मैं रेस्पेक्ट करता हूं इसको भी, बस तुम्हें ये बोलूंगा कि पीएचडी इट्स बेटर ब्रह्मपुत्र के उस पार चले जाना, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से नहीं आईआईटी से कर लेना, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। और मास्टर डिग्री में भी ब्रह्मपुत्र के उस पार चले जाना, नहीं तो थोड़ा सा दूर जाके तेजपुर यूनिवर्सिटी से कर लेना। तो मगर एक एम होना पड़ेगा। अब एम ये नहीं हो सकता यार कि सर गिटार बजाना है, नहीं एम ये नहीं हो। हाँ, एम ये हो सकता है कि नहीं ठीक है तुम्हें वो पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है वहां जाके तुम कुछ काम करोगे और उसके बाद फिर तुम फिल्म वो करोगे, मतलब एक डिग्री का एम होना चाहिए। हाँ, स्किल, वो स्किल जिसके लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिले, उस चीज का इंपॉर्टेंस आ गया है कि तुम्हारे पास वो स्किल होना चाहिए जिसके लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिले। आगे चलते हैं।
माइनस पाई बाय फोर से को, तो अगर मैं इसमें किंग्स का सिमेट्रिक लगाऊं तो क्या फायदा होगा बोलोगे? नंबर वन, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वन प्लस टू क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार इससे लगा चुके हैं. माइनस एल एन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना. क्या ये किसी का फॉर्मूला था? cos 2x. और cos 2x इवन है या ऑड है? इवन. और अगर ये इवन है तब क्या होगा? इवन के लिए कुछ याद है? माइनस ए से ए क्या हो जाता था? टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए. सो टू टू आई इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाय फोर एल एन ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स डी एक्स. टू टू को कैंसिल करो, आई का वैल्यू बोलो. जीरो से पाई बाय फोर एल एन ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स डी एक्स. क्या करोगे? तो आई का वैल्यू कैसे चेंज होगा? जीरो से पाई बाय टू एल एन ऑफ कॉस टी वन बाय टू डी टी. छोड़ दू क्या? ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है? हाँ है, खेला खत्म. लिखना है तो लिख लो. और इतना टाइम है ना अभी कि अच्छे से मेहनत करोगे तो देखोगे तुम कि कहां पे तुम जा. और इस साल तुम लोग का इस वाले बैच में, इस बैच में मैंने रियली मैं मेहनत कर रहा हूं. मतलब मैं डीपीपी, मतलब इस बार मैं डीपीपी से बहुत खुश हूं जो मैं डीपीपी तुम लोग को दे रहा हूं, कि तुम्हें भूलने नहीं दूंगा चीजों को डीपीपी जो दे रहा हूं. और वही वाली बात है, मेरे देने से मैं जानता हूं कि दो तीन बंदे को फायदा हो रहा है, मगर वो उससे ज्यादा हो जाए, एटलीस्ट डबल डिजिट में तो जाए यार चीजें, कि हाँ 15 बंदे को अच्छा फायदा हो रहा है, 20 बंदे को फायदा हो रहा है, तब वो ज्यादा अच्छा लगता है देख के. और लेट इट बी, अभी मैं एंट्रेंस का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, बोर्ड का ही बात करता हूँ कि बोर्ड लेवल में ही पढ़ना है. ठीक है तुम्हें अभी इस साल, ठीक है सर, इस साल कुछ क्लियर नहीं है मुझे, केवल बोर्ड का तैयारी करना है. तो सही ढंग से तो करो ना आप, डाउट्स तो पूछो ना. Yes, sir. चलो चलो, तो थोड़ा सा एंट्रेंस सेवल भी करवाता हूं आज. थोड़ा सा टफर लेवल में, एंट्रेंस लेवल में ये टॉपिक है. हाँ एंड डमी वाला यूज सम करवाता हूं, और बिलीव मी अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो दिल खुश हो जाएगा. इसे तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो.
एक ट्रिक है ये सब। हाँ मैं, ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, ये एक ट्रिकी टॉपिक है सॉल्यूशन। हाँ तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, वन बाय टू से टू, वन बाय एक्स साइन एक्स माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। मैं एक सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टी, ठीक है, तो टी का वैल्यू वन बाय एक्स, तो डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलोगे, इस वन बाय टू के बदले क्या लिख सकते हो, टी को तो तुमने वन बाय एक्स लिया है ना, टू, इस टू के बदले क्या लिख सकते हो, बस देखते जाओ अभी। हाँ इस वन बाय एक्स के बदले टी साइन, इस एक्स के बदले वन बाय टी माइनस टी, और इस डी एक्स के बदले माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर। मैंने गलती किया, सॉरी, मुझे तो एक्स को टी के टर्म में चाहिए था, तो इसका मतलब वो तो मैं यहां से निकालूंगा, एक्स जरूरत नहीं है इसका, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर। हाँ चलो, तो ये माइनस क्या करेगा, चीजों को रिवर्स कर देगा, वन बाय टू से टू, टू इंटू साइन वन बाय टी माइनस टी इंटू डी टी, मगर क्योंकि टी इज डमी है तो टी के बदले क्या लिख सकता हूं, X. ये 1 by t आएगा, रे 1 by t होगा ये, हाँ क्योंकि यहाँ पे t square है, तो ये 1 by 2 से लेके 2 तक क्या हो जाएगा, 1 by x into sin, अच्छा मुझे एक चीज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, dx क्वेश्चन में देखो ये x माइनस डी एक्स था, हाँ जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था, और यहाँ पे 1 by x माइनस x है, मगर मैं जानता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा जो था वो माइनस साइन थीटा था, तो इसलिए i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by 2 से माइनस हटा देता हूं, साइन x माइनस 1 by x dx। अब मुझे बोलो क्या यही आई था, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से देखो, अगर ये आई था तो तुम्हें क्या मिला, आई इक्वल टू माइनस आई, इसका मतलब ये कब पॉसिबिलिटी, तो ये कब पॉसिबिलिटी होगा, जब आई जीरो, खेला खत्म। तो ये पहला सम डेफिनेट एंट्रेंस का, एक एक करके लिखो, तीन मिनट, 3 मिनट का ही टाइम देता हूँ, पहला समय ऊपर मुझे कर देना, मैं धीरे धीरे ऊपर कर दूंगा, और मैं अगर भूल जाता हूं तो मुझे याद दिला देना। क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, सर आपको बताना भूल गया था, हमारे स्कूल में अभी हाफ ईयरली होने वाला है, 16 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है। कहाँ तक पोर्शन, चैप्टर 2 से 8 और फिर 10 बोल, ठीक है, 10 क्या चैप्टर नंबर है, 10 क्या 3D सर, वेक्टर बोल रहे स्कूल, वेक्टर्स, ठीक, हो गया।
चलो और एक कराता हूं, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अल्फा जीरो टू इन्फिनिटी डीएक्स बाय एंड बीटा इज इक्वल टू फाइन मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लिखना है तो सम लिख लो एक बार ताकि सम रहे। दो मिनट को मैं आ रहा हूं। चलो आगे चलता हूं। अल्फा का वैल्यू है जीरो से इंफिनिटी बीटा का वैल्यू है जीरो से इंफिनिटी देखो एक कुछ स्पेशल चीज हो रहा है यहां पे तुम देख रहे हो मुझे मालूम मेरे और तुम लोग भी जानते हो टू का रेसिप्रोकल क्या होता है मुझे मालूम है टू का रेसिप्रोकल जो ऊपर है ठीक है जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फिनिटी जो ऊपर है तो तुम जब ऐसा कुछ देखते हो तो दिमाग में कभी क्योंकि देखो ऊपर वाले में तो दिख रहा था यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है कि वो काम देगा मगर तुम देखोगे अभी तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अल्फा को मैं जीरो से इन्फिनिटी ले रहा हूं डीएक्स बाय अगर मैं एक्स का वैल्यू वन बाय टी ले लेता हूं तो बोलोगे अल्फा कैसे चेंज होगा जीरो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी 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 क्या बन जाएगा जीरो डीएक्स क्या बन जाएगा माइनस डीटी बाई टी एक्स टू पर फोर क्या बन जाएगा अगर तुम एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस क्या करेगा जीरो से इन्फिनिटी डिनोमेटर का एलसीएम क्या आएगा डीटी बाई टी स्क्वायर बाय वन प्लस सेवन टी स्क्वायर प्लस टी टू पावर फोर बाय टी टू पावर फोर टी टू पावर फोर टी स्क्वायर में एक टी कैंसिल हो जाएगा टी स्क्वायर तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी टी स्क्वायर डी टी बाय टी डमी है तो क्या लिख सकते हो क्या होगा अच्छा ऊपर सम लिखा था क्या कुछ अच्छा लगा हाँ सर यही तो बीटा है सर यही तो बीटा है तो अल्फा अगर बीटा हो गया तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा चला खत्म लिखना है तो लिख लो मैं दो मिनट में आता हूँ
चलूं आगे? हो तो गया होगा, लाइन में हूं। ठीक है, चलो ठीक है। अब तुम लोग को जरा मैं दिखाना चाहता हूं कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो क्या होता है। हालांकि इसमें बहुत अलग अलग लगता है, मगर अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ग्राफ वाला बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मैं आई को बोलता हूं कि वो जीरो से लेके पाई बाय टू मॉड ऑफ टू साइन एक्स डी एक्स है, ऐसा ग्राफ, ऐसा सम जब भी देखोगे तुम्हारा एक ही काम होगा कि तुम इसका ग्राफ बनाओगे। मतलब ये अल्टीमेटली हो गया जीरो से लेके पाई बाय टू बॉक्स ऑफ y dx। y मेरे पास 2 sin x है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये इसका ग्राफ होगा। तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? y मेरा लाई कर रहा है जीरो से टू तक, तो बॉक्स y क्या क्या हो सकता है? या तो जीरो या तो वन या टू तो लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि नॉर्मल ओपन इंटरवल में हम लोग लेते हैं। हाँ, तो जीरो से टू के बीच में एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा क्या? वन के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगा? मुझे कोई हेल्प करेगा? इसका मतलब वन किसका वैल्यू है? वन किसका वैल्यू है? वाई का ना, मतलब साइन एक्स हाफ है। तो साइन एक्स हाफ कब था? पाई बाय थ्री, तो ये पाई बाय सिक्स हो जाएगा। अब मुझे बोलो, जब समझ में आ रहा है ना क्या अंतर है? ये किसका लिमिट है? ये x एक्सिस का लिमिट है और ये y एक्सिस में लग रहा है। तो अगर मेरा x एक्सिस 0 से पाई बाय 6 के बीच में है, तो y एक्सिस किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से y। अगर y एक्सिस का प्रोजेक्शन, तो बॉक्स ऑफ y क्या हो जाएगा? 0। अगर कर्व का x एक्सिस में प्रोजेक्शन पाई बाय 6 से पाई बाय 2 है, तो y एक्सिस में कहां से कहां तक लाई कर रहा है? वन से टू तक। वो मैं ये एक काम करता हूँ, इसे अलग उसमें लेता हूँ ना तुम लोग के लिए, सॉरी। हाँ हाँ, अगर मेरा प्रोजेक्शन पाई बाय एक्स एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन, इसलिए बॉक्स वाई कैसा दिखेगा? वन। तो हेल्प करोगे, ये कैसा दिखेगा बोलोगे? जीरो से लेके कहाँ तक? सबसे पहला जीरो से पाई बाय सिक्स तक कैसा दिखा बॉक्स वाई का वैल्यू? जीरो डी एक्स। पाई बाय सिक्स से लेके कहाँ तक? पाई बाय टू तक बॉक्स वाई कैसा दिखा? dx। आगे निकालना तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हुआ। अब यही चीज कभी इनवर्स में भी हो सकता है। जीरो से हंड्रेड बॉक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तब क्या होगा? तुम्हें इनवर्स का ग्राफ याद रखना होगा। सर याद नहीं रहता है, ये सब नहीं कर पाओगे। इन्फिनिटी में ये पाई बाय टू होता है रे, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो वाई कहां से कहां तक लाइक कर रहा है? y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? अगर y tan inverse x है तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? जीरो से पाई बाय टू। तो बॉक्स y क्या क्या वैल्यू लेगा, ये सब दिमाग में सोचोगे। हाँ, जीरो और वन, तो यहाँ पे कहीं पे एक वन होगा, क्योंकि पाई बाय टू 1.57 है। अच्छा, y वन है तो x क्या होगा, जरा यहाँ पे सोचो। तो y वन है, x क्या होगा? पाई बाय फोर। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा,
ये इनवर्स है क्या x tan 1 नहीं होगा हाँ या ना अब tan 1 का वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 10 पाई बाय 3 के आसपास होगा 1 तो किसके बीच में लाई करता है पाई बाय 4 से पाई बाय 3 के बीच में तो पाई बाय 3 रूट 3 था तो 100 तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है 100 तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा तो अगर x एक्सिस का कर्व का x एक्सिस में प्रोजेक्शन 0 से tan 1 तक है तो उसका y एक्सिस का कंपोनेंट कहां से कहां तक होगा 0 से 1 और अगर x एक्सिस का कंपोनेंट 10 1 से लेके 100 तक है तो y एक्सिस का कंपोनेंट कहां से कहां तक लाई करेगा 1 से पाई बाय 2 तो मुझे मुझे हेल्प करोगे लिमिट कैसे चेंज होगा ये तो x एक्सिस का लिमिट है 0 से 10 1 0 dx x एक्सिस का 0 से 10 1 ये तो x एक्सिस का कंपोनेंट हुआ तो y एक्सिस का कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा और सेकंड वाला 10 1 से कहां तक अब पाई बाय 2 तक नहीं क्योंकि क्वेश्चन कहां तक है वो तुम्हें क्वेश्चन देखना है 100 तक तो ये 1 dx तो 0 तो 0 हो जाएगा x कहां से कहां तक 10 1 से लेके 100 तक तो कैसा दिखा 100 माइनस 10 1 खेला खत्म किसी को लिखना है तो लिख लो चलूं आगे चलो अगर पॉलिनोमियल होता तो ये वाला क्या तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद आ रहा है कि अगर x के साथ एक नेचुरल नंबर होता है तो अननेचुरल नंबर को बाहर निकाल सकते हो किसी भी इंटीजर को तो यहां पे मैं एक काम करता हूं 0 से 2 प्लस 0 से 2 1 इंटू dx मतलब अलग अलग ले रहा हूं हाँ अलग अलग मैंने कर दिया तो इसका तो वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा मैं इंटरेस्टेड अब इस वाले में हूं 0 से 2 x स्क्वायर माइनस x dx मतलब मैं इंटरेस्टेड हूं 0 से लेके 2 मॉड ऑफ y बॉक्स y dx अब देखते हैं ग्राफ मुझे किसका बनाना है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x का x कहां से कहां तक है 0 से 2 तक तो f डैश x का वैल्यू क्या आया ट्वाइस x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट क्या आया x का वैल्यू हाफ f ऑफ 0 0 है f ऑफ 2 का वैल्यू 2 है और f ऑफ हाफ का वैल्यू माइनस 1 बाय 4 है तो जब तुम अब ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा है 0 हाफ 1 में तो 0 हो जा रहा है 2 ये ग्राफ है उसका 2 में जो वैल्यू ले रहा है वो 2 ले रहा है और ये माइनस 1 बाय 4 है तो मुझे हेल्प करोगे y कहां से कहां तक है माइनस 1 बाय 4 से 2 तक सुनाई दे रहा है हाँ सर तो बॉक्स वाई क्या क्या होगा बोलोगे तो अच्छा लगेगा 0 1 2 तो नहीं देने से भी होगा मगर ऊपर भी मैंने दिया था ठीक है तो 0 में तो लाइन है ही और एक लाइन कहां बनेगा 1 में अब 1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या होगा मुझे ये पॉइंट चाहिए ये y is equal to किसका वैल्यू है x square minus x का तो अगर y का वैल्यू 1 लोगे इसका मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू वन लोगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का वैल्यू वन लोगे, मतलब एक्स का वैल्यू वन प्लस माइनस रूट फाइव बाय टू। तो ये कौन सा होगा मुझे बोलोगे, वन प्लस रूट फाइव या वन माइनस रूट फाइव? प्लस रूट फाइव। तो ये होगा वन प्लस रूट फाइव बाय टू। तो अब मुझे बोलो, जब मेरा एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन जीरो से वन तक था, तो वाई एक्सिस जो है मेरा ये वाले में, तो इसका बॉक्स क्या होगा? जीरो। ध्यान से देख, ध्यान से देख, माइनस वन, नीचे में कहीं पे माइनस वन है, बॉक्स वाई माइनस वन होगा। जब मेरा प्रोजेक्शन वन से लेके वन बाय रूट फाइव प्लस टू तक था, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन, तो वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एक्सिस बोल रहा हूँ, प्रोजेक्शन मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, ये हाँ। ये 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 इसके लिए ये, इसके लिए ये, प्रोजेक्शन मतलब ये है x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस कहां से कहां तक लाई कर रहा है, बॉक्स y का वैल्यू जीरो। और अगर मेरा x एक्सिस का प्रोजेक्शन 1 बाय रूट 5 से 2 तक है, तब y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? दिख ही रहा है ना, y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये डंडी कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से 2 तक। तो बॉक्स y का वैल्यू 1। तो मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। हाँ, बोलोगे कैसा होगा? पहला 0 से, सही गलत का चिंता मत करो, बोलो पहला इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से x एक्सिस को देखो, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 में बॉक्स का वैल्यू माइनस वन dx। सेकंड वाला कहां से कहां तक? 1 से 1 प्लस रूट 5 बाय 2, 1 प्लस रूट 5 बाय 2, तो बॉक्स x का वैल्यू 0 dx। 1 प्लस रूट 5 बाय 2 से सेकंड वाला 2 तक, बॉक्स x का वैल्यू 1 dx। आगे तुम लोग निकाल सकते हो, लिखना है तो लिख लो, मेरे ख्यालों में समझ में, नया चीज नहीं है, लिमिट्स में भी हमने किया था अगर तुम्हें याद होगा तो, लिमिट में नहीं सॉरी कॉन्टिन्यूटी में।
चलूं आगे। यस सर। चलो प्रॉब्लम इन्वर्सिटी को देखो। जीरो से पाए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब ये सब तुम्हें इनवर्स से याद रखना होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू केवल एक्स था अगर एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक था। पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू तक ये पाई माइनस एक्स था। ये सब चीज हम लोग ने इनवर्स में किया हुआ है। हाँ तो क्या ये मेरा बोडेल वाला सम अब नहीं हो गया? देखो ना जीरो से पाए था तो पहला इंटरवल जीरो से पाए बाय टू तक लूंगा। जीरो से पाए बाय टू तक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स। और पाए बाय टू से पाए तक तो तुम्हें ऐसे चीजों को याद रखना होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं आई इज इक्वल टू जीरो से टू पाए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तो तुम्हें ये याद रखना होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू। सर याद कैसे रहेगा? वो मेरी जिम्मेदारी है। आई विल गिव यू द सम्स। तो केवल मेरे मगर सम देने से तुम्हें याद नहीं होगा। टू पाई माइनस एक्स था तो इसके लिए कहां से कहां तक होगा? तब जीरो से पाए तक तो कैंसिल हो जाएगा एक्स डी एक्स, मगर पाए से टू पाए तक कैसा दिखेगा? टू पाई माइनस एक्स डी एक्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो इनवर्स में मैं ये नहीं करवा रहा हूं, इनवर्स में बस मैं तुम्हें एक बार बता दे रहा हूं कि हाँ भैया तुम याद रखना फॉर्मूला सब याद रखना। सर याद नहीं रहेगा तब तो सम्स नहीं कर पाओगे। मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग मतलब अगर इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि याद नहीं रहेगा तो सम्स नहीं कर पाओगे। और क्या तुमने कभी कोशिश किया पांच सम बनाने का या पहले याद करने का कोशिश किया फिर सम बनाने का कोशिश किया? याद करके सम बनाने का कोशिश किया तो गलत किया है तुमने, नहीं बनेगा तुमसे। तुम्हारा कोशिश उल्टा होना पड़ेगा। आगे चलूं? सुनने में दे रहा है? हाँ सर। बोल देना लिख लोगे तो। ओके सर। चलो ठीक है। वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन एक्स। बोर्ड लेवल में तुम निर्णय के टू टेन इनवर्स एक्स लिखते थे मगर ये तभी तुम लिख सकते हो अगर एक्स जीरो से बड़ा है, वरना तुम्हें माइनस टू टेन इनवर्स एक्स लिखना होगा अगर एक्स जीरो से छोटा है। आई का वैल्यू सपोज माइनस वन से वन तक कॉस इनवर्स। अब देखो क्या गलती हो जाएगा। अब गलती से तुम लोग अगर डायरेक्टली इसमें टू टेन इनवर्स एक्स लिखोगे तो गलत है क्योंकि माइनस वन से लेके जीरो तक तो तुम्हें माइनस टू टेन इनवर्स एक्स लिखना होगा ना रे, और जीरो से वन तक ही तुम टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तुम बोलोगे सर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तुम्हें अगर याद कुछ भी नहीं रहा तो क्या करोगे? तो तुम्हें फिर मेरे उस एल्गोरिथम में जाना होगा जो हम लोगों ने इनवर्स में सीखा था। जैसे मैंने अभी तुम्हें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पूछा और तुम बोलोगे सर दिमाग में मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ये तो आ जाएगा सर कि माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक कुछ था, ये याद रहेगा, इसमें पंगा नहीं है। मगर मेरा कंफ्यूजन ये है कि इसमें मैं भूल जाता हूँ कि पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू में क्या होता है। एक्चुअली यहां मैं भी भूलता हूँ। तो सर आप क्या करते हो बताता हूँ।
तुम्हें याद है साइन इनवर्स ऑफ साइन टू मैंने कैसे निकाला था? मैंने टू क्यों लिया? क्योंकि टू मैं जानता हूं कि पाई बाय टू से थोड़ा सा यहाँ पे लाई करता है। अब ये वाला याद है क्या था, ये पाई माइनस टू था या टू माइनस पाई था? मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हेंस अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई माइनस टू था तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? हो गया, आया समझ में? तो पहले जो मैं डरा रहा था कि याद रखना है, नहीं रखने से भी होगा, मगर बेटर है कि याद रखोगे। तुम बोलोगे ठीक है सर वो तो ठीक है। अब इस वाले में जो आपने बोला कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस वाले में बोलिए तब, इसमें तुम्हें जरा सोचना पड़ेगा। जैसे तुम अगर एक्स का वैल्यू सपोज माइनस वन ले लोगे तो ये कॉस इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो पाई बाय टू होता है, होता है, वेरी गुड। और जब तुम टू टेन इनवर्स एक्स लोगे तो क्या होगा बोलो? टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, तो टू इंटू माइनस पाई बाय टू, थोड़ा सा याद रखना होगा नहीं, माइनस पाई बाय टू। अब देखो क्या माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू सेम है, हाँ या ना? मुझे भी मालूम है सेम नहीं है, तुमसे पूछ रहा हूं क्या सेम है? नहीं, तो सेम करने के लिए क्या करोगे बोलो? माइनस, आगे माइनस लगा दोगे। यहां पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो सेम हो जाएगा ना? तो ये माइनस देखो यहां पे आ गया, देखो 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 आया। तो एक्चुअली अगर तुम मुझसे पूछोगे सर क्या आपको फॉर्मूला याद रहता है, मुझे भी याद नहीं रहता है, ठीक है, मैं इस टाइप से निकालता हूं जब सम तुम लोग पूछते हो तो। चलो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो चलो आज यहीं पे छोड़ना है, डाउट है क्या किसी का कुछ? हाँ सर भेजा। पहले ये ले लेता हूँ। सर 10 बजे को इंटीग्रेशन का पेपर का डिस्कशन होगा ना सर, डीपीपी का? हाँ हाँ सर, थोड़ा देर से अगर एंट्री मारो तो कोई प्रॉब्लम है क्या सर? केमिस्ट्री का आज बहुत, आज बहुत तो कल ले लेता हूँ तब, मैं आज का क्लास कल कर देता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, मैं आज का क्लास कल कर देता हूँ, कल आ जाओ तब तुम लोग। ठीक है, तो देखता हूँ मैं, हाँ मैं बोलूंगा तुमको, भी रुक जाओ, कंफर्म नहीं है, देख लेता हूँ एक बार, मैं भी मिला लेता हूँ अपना टाइम टेबल। मुझे 5-6 बंदों ने बोला ही है कि सर आज का क्लास कल नहीं हो पाएगा। आज मेरे ख्याल में दोनों जगह ही क्लास है, लनन और मानव सर दोनों का ही क्लास है। अभिषेक? हाँ सर। ये वाला, ये वाला? हाँ सर। इसको टी ले ले, इस पूरे को टी ले लेना। इस पूरे को अगर मैं टी ले लेता हूं तो डीटी का वैल्यू क्या होगा? एल एन फाइव होगा। और फिर इसे डिफरेंशिएट करना होगा ना, करना होगा या नहीं? हाँ सर। चेन रूल सर, ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्म का, ए टू द पावर एक्स वाला, फिर इसे डिफरेंशिएट करना होगा।
इंटू डी एक्स, मतलब डी टी बाय एल एन फाइव का होल क्यूब, ये हो जाएगा फाइव 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 एक्स, फाइव फाइव एक्स, फाइव टी पर एक्स डी एक्स, आया समझ में? हाँ सर हो जाएगा, तो इस पूरे कर लो, ठीक है चलो। किसी और का कोई डाउट है? हाँ सर, हाँ भेज दे। हाँ सर भेज रहा हूँ, एक सेकंड। अरे वो किस, तूने ही पूछा था क्या वो 3D वाला डाउट एक था? हाँ सर। ओ वो 3D वाला जो डाउट है वो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ना रे, वो मुझे दोबारा भेज दे, बता देता हूँ। हाँ सर भेज रहा हूँ। Find C and D lies on. Point C and D lies on a semicircle with AB as diameter. Oh, KBPI. हाँ सर। यही तो ज्योमेट्री में बताना है रे तुम लोगों को मुझे, ठीक है? ये अभी छोड़ दे, ज्योमेट्री का ये क्लास लूंगा मैं तुम्हें, हाँ समझ में आया? अभी छोड़ दे, हाँ तो मैं ज्योमेट्री में क्लास लूंगा तुम लोगों का, इसीलिए चलो जरा अभी मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ इंटीग्रेशन, उसके बाद ठीक है चीजों को फिर रीअरेंज कर दूंगा एक बार, हाँ तो अभी उस चीज को छोड़ दे। हाँ ये मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मैं बिना ज्योमेट्री का वो थ्योरम, जो थ्योरम मैंने नहीं पढ़ा है उसे यूज करूं, पर मैं नहीं कर पाया हूं इस सम को। हाँ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम पी, ये देखना एक लाइन ड्रॉ किया P111 से, हाँ P111 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 111, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P111 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन, तो इससे क्या तुम उस प्लेन का इक्वेशन ही निकाल सकते हो जहां पे ये लाइन लाई करेगा, क्योंकि इसका ये भी 111 है, तो मेरा कहना है इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो दिखेगा 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इसका और एक प्लेन ये है, कह रहा है कि दोनों का दोनों इंटरसेक्ट कहां करेगा, तो मतलब ये दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और प्लेन ऑफ लाइन, प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक ट्रिक दिया था, एक बार पॉइंट निकाल लो ये x1 y1 0 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, b का 0 y2 और z2, एक बार ab निकल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, मेरा कहना है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये प्लेन, ये जो लाइन है वो हर समय इस प्लेन में लाई करेगा। हाँ सर। और ये सब जो मुझे लोकस निकालना था, तो लोकस क्या निकालना है, क्या इसका लोकस नहीं निकालना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये देखना ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ। अगर ये मेरे पास एक प्लेन है और ये मेरे पास एक प्लेन है, एक बार तू खुद बना के सोचना। हाँ अब हाँ, यहां से तू जो भी लाइन ड्रॉ करके देख, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये लाइन होगा ना, दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, नहीं क्या? अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका दिया था, उल्टा के देख लेना, निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। हो गया? हाँ सर हो गया।